नमस्कार साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है बुद्ध की सीख, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक राजा था, उसे हर घड़ी एक ही बात का डर लगता था कि कहीं कोई दूसरा राजा उसके राज्य पर हमला करके उसे मार न डाले। वह सुरक्षा का उपाय सोचता, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। आखिर एक दिन अचानक उसे एक रास्ता सूझा। उसने सोचा कि ऐसा महल बनवाया जाए जो चारों ओर से बंद हो, ना उसमें रोशनदान हो, ना जंगले, ना उसमें दरवाजे हों और ना ही उसमें खिड़कियां हों, बस एक दरवाजा हो। ऐसे महल पर किसी का भी हमला कारगर नहीं हो सकता। इस विचार के आते ही राजा ने काम शुरू करा दिया और कुछ ही महीनों में वह मनचाहा महल बनकर तैयार हो गया। जिसने भी उस महल को देखा चकित रह गया। उसमें दुश्मन तो क्या, एक परिंदा तक पर नहीं मार सकता था। सबने राजा की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा को पूरा भरोसा हो गया कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संयोग से एक दिन गौतम बुद्ध उस महल को देखने आए। राजा ने बड़े उल्लास से उन्हें सारा महल दिखाया, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर उसे खुशी नहीं दिखाई दी। राजा ने पूछा, बनते महल कैसा लगा? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, राजन, महल तो अच्छा है, लेकिन आपने एक भूल की है। राजा ने विस्मय से पूछा, क्या? बुद्ध ने कहा, आपने केवल एक दरवाजा रखा है। इस दरवाजे से दुश्मन तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर मौत आ गई तब? इस दरवाजे को भी बंद करके आप भीतर बैठ गए होते तो शायद पूरी तरह से आप सुरक्षित हो जाते। बुद्ध के कथन से राजा की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि बंद महल व्यर्थ है। वह दुश्मन से तो बच सकता है, पर मौत से नहीं, जिसके लिए दरवाजे की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि मौत जब आती है तो उसे दुनिया की कोई दीवार नहीं रोक सकती, कोई दरवाजा नहीं रोक सकता।